पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। कल दिनांक 30/5/2024 को 3:40 शाम में थाना अध्यक्ष गोछा को सूचना मिली कि कर्णपुर उत्तरी हाई स्कूल है गोछा में, वहाँ पे करीब 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक लीची का बगान है, वहाँ पे 3 अपराधी किसी अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ वहाँ पे मौजूद है। मुजफ्फरपुर में अपराध की योजना बनाते दो शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो राह चलते राहगीरों से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते हैं, जिसके पास एक देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 1 चाकू के साथ 2 मोबाइल बरामद हुआ है। यह गिरफ्तार बोछा थाना अंतर्गत कर्णपुर उत्तरी इलाके के एक लीची बगान से की गई है। सभी अपराधी एकजुट होकर संगीन अपराध की योजना बना रहे थे, जिसकी सूचना बोछा थाने की पुलिस को लगी, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। उस दौरान पुलिस की भनक लगते ही एक अपराधी भाग निकला, तो वहीं मौके से 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधी में एक शातिर अपराधी शामिल है, जो पूर्व मुखिया पर गोली बारी की घटना को अंजाम दे चुका है, जिनके ऊपर कई थानों में मामला दर्ज है। तो वही इस मामले पर एसएपी सहरियार अख्तर ने बताया कि अपराध की योजना बनने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फिलहाल 2 की गिरफ्तारी हुई है, 1 अभी फरार चल रहा है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान विकास कुमार और सचिन कुमार के रूप में हुई है। ब्यूरो, कल दिनांक 30/5/2024 को 3:40 शाम में थाना अध्यक्ष गोछा को सूचना मिली कि कर्णपुर उत्तरी हाई स्कूल है गोछा में, वहाँ पे करीब 200 मीटर दक्षिण पश्चिम में एक लीची का बगान है, वहाँ पे 3 अपराधी किसी अपराधी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ वहाँ पे मौजूद है। इसी सूचना के आलोक में थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ उस लीची गाछी में पहुँचे, तो वहाँ से पुलिस बल को देख के 3 अपराधी जो हैं मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी थी लेके भागने लगे, जिसमें से 2 अपराधी विकास कुमार जो बोछा थाने का रहने वाला है और सचिन कुमार जो गढ़ा थाने का रहने वाला है, उसको दबोचा गया। तो विकास के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और सचिन के पास से एक गोली बरामद किया गया, और 1 अपराधी जो है सूरज, जो बोछा थाने का रहने वाला है, वो फरार हो गया। इसमें विकास कुमार पहले भी कई बार जेल जा चुका है, बोछा थाने से भी गया है और यहियापुर थाने से गया है। कुढ़नी में 2021 में किसी मुखिया को ऊपर इसने गोली फायर की थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे। और 2022 में बोछा में लूटी हुई मोटरसाइकिल भी इसके पास से बरामद हुई थी, और यहियापुर में भी जेल गया है, लेकिन कांड अभी हम लोग उसको खुजवा रहे हैं। और जो सचिन है और सूरज है, इसके भी अपराधी इतिहास को हम लोग अन्य थानों से लेकर पता करने की कोशिश। किस तरह से अपराधी की घटना को अंजाम देते हैं? हो सकता है तीनों एकत्रित हुए थे, लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। मतलब कहीं लूटपाट करते ये लोग जो है, हाँ, हाईवे पे कहीं लूटपाट करते एकत्रित हुए थे, पूछना पड़ा। लोकल तो यही तीनों थे, तीनों तो लोकल ही है, और गढ़ा भी पहले पोछा थाने में ही था, तो तीनों एक दूसरे से परिचित। विकास का अपराधिक इतिहास पूर्व से रहा, तो अन्य लोग हम लोग अपराधिक इतिहास पता करने की कोशिश। रिपोर्ट सिटी पोस्ट लाइव।